हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज का पार्ट फोर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आज समाप्त हो जाएगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या करें, 24 क्वेश्चन। ये दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समानांतर, एफ जी हो तो एल एल ई क्या होगा, एल ई क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या देख लीजिए वहाँ से। एल ई बट्टा एल एफ बराबर ई एम बट्टा एम जी। तो ई एल कितना नहीं है, एल एफ कितना है 7.2 है, और ई एल कितना 1.8 है, ई एम एम जी कितना है 5.4 है। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा तो 18 3 54 हो जाएगा। ई एल बराबर 7.2 हो जाएगा बराबर 1/3, ये 3 से कटेगा 18, कितना हो जाएगा 18। ई एल बराबर कितना हो जाएगा 1.8, कोने का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 24 दिया है 72, 2.4 कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा। यदि एल एम के यदि एल समानांतर एम हो तब ए का मान क्या होगा, तो क्या होगा पहले जी क्या हम लेंगे, एल बराबर एम क्या होगा, एल बराबर एम तो 3a+60 बराबर 4a+40, 3a-4a=40-60 बराबर -20, माइनस ये माइनस माइनस प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 20, एर कितना ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समांतर त्रिभुज है जिनमें कि कोण से 90 हो, यदि कोण यदि ए सी बराबर 6 सेमी तो ए बी क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए बी बराबर 2√AC, ठीक है। तो 2√6CM आंसर, ठीक है, जब ऐसा रहेगा तो, ठीक है, सुन दिमाग रहेगा तब। अला त्रिभुज ए बी सी एक समांतर त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन कौन सत्य है, तो ये वाला सत्य है। कैसे कथन सत्य है, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC² कैसे, देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये इसको जो निकालेंगे तो इस दोनों का स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये दोनों समा इसका और इसका स्क्वायर, तो दोनों क्या कर दिया, AC² कर दिया गया, ठीक है, और डबल को कर दिया गया, चलिए आगे। एक समान त्रिभुज जिनकी ए बी सी एक भुजा है, ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समान क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला है ये, समान क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है। तो देखिए ये सब जोड़ेंगे ना तो 180 पूरेगा, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, पर कह क्या रहा है कि अंतर 50 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग अंतर 50 होना चाहिए। तो देखिए इसमें से दो कोण घटाएंगे ना तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आगे देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी और ए, चलिए देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी इस तरह है कि ए डी बट्टा डी बी है, तो देखिए ए डी बट्टा डी, चलिए देख लेते हैं त्रिभुज क्या है दोस्तों, ए बी सी डी ई, ए डी कितना है मेरा 3, ई बी कितना है 5, ए सी कितना है 5.6, तो क्या करेंगे, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए सी माइनस ई सी बट्टा ई सी ए, ठीक है ना, ए सी माइनस ए ई सी इतना, ए डी 3/5 है, ये कितना है 5/6 -EC/EC, क्या करेंगे 3 EC बराबर 56 55 3 28 -5 EC, कितना हो जाएगा ये 3 EC+5 EC बराबर 28, कितना हो जाएगा 8 EC 28, कितना हो जाएगा 28 से भाग करेंगे, सॉरी 8 से, तो 8 3 24 कितना हो जाएगा, देख लीजिए काटेंगे कितना 8 3 24, तो 4 0 8 4 32 8 5 40 कितना आ जाएगा, हमें निकाला क्या है ए, तो ए वाई कितना होगा ए सी माइनस निकाला गया था ए, हाँ ए सी माइनस ई सी, तो मेरा 5.6 में से 3.5 घटेगा, कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है दोस्तों ऐसे बनेगा, ओके। चलिए आगे देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी भुजा कितना होगा, तो देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी एक भुजा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो 36 है, तो √3/4 क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 गुने भुजा, √3/4 गुने भुजा, तो इतना क्या इधर भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इधर कितना है 36/√3 है, और √3/4 है गुने भुजा स्क्वायर है, ठीक है, इधर नहीं है, ठीक है, चलिए इसे ये कट जाएगा 3, 36 बराबर 1/4 भुजा स्क्वायर,
गुणगण गुना हो जाएगा तो 144 बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर ही हो जाएगा भुजा, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो भुजा कितना हो जाएगा 12 सेमी, कितना हो गया 12 सेमी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट